जी बेटा, क्वेश्चन नंबर टू हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको ना बड़े गौर से आपने इनके क्वेश्चंस को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, डिस्कस द लव हेट रिलेशनशिप ऑफ गिवानी एंड बैट्रिस। ठीक है, गिवानी मैंने आपको बताया कि जो कि हीरो है इस स्टोरी का, उनका जो है रिलेशनशिप, उनकी डिस्कशन के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए गिवानी और बैट्रिस के, तो आपने ये लिखना है। आई वुड रादर हैव बीन लव्ड नॉट फियर्ड, सेज बैट्रिस बिफोर डाइंग इन रैपाचिनीज डॉटर। एनालाइज हर स्टेटमेंट। जी, अपनी मौत से पहले बैट्रिस ने ये सेंटेंस कहा था। उसने कहा था कि काश लोग मुझसे मोहब्बत करते और मुझसे डर महसूस ना करते। अब आपको कहा गया कि आप इसके बारे में जो है अपना तज़िया पेश करें, तो आपने यही आंसर लिखना है जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। रैपाचिनीज डॉटर इज़ अ ट्रैजिक लव स्टोरी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रैपाचिनीज जो डॉटर है एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, तो भी रिस्पॉन्स यही होगा। डू यू थिंक दैट बैट्रिस इज़ ट्रू एंड सिंसियर इन हर लव। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या बैट्रिस अपने जो लव है उसमें ट्रू और सिंसियर थी, ठीक है, मुखलिस थी और सच्ची थी, तो भी यही लिखेंगे आप। रैपाचिनीज डॉटर इज़ ट्रैजिक लव स्टोरी। जी, ये पीछे भी यही आ गया, ट्रैजिक लव स्टोरी है अगर। तो डू यू थिंक दैट बैट्रिस डिफीट्स द प्लान ऑफ हर फादर एंड फॉइल्स इट बाय हर सिंसियर लव टू गिवानी। जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैट्रिस ने उसके बाप का जो प्लान था उसको फेल कर दिया और गिवानी के साथ मोहब्बत के साथ उसने उसको नाकाम बनाया, और आपसे कहा जाए कि इसके बारे में लिखें, तो भी आप यही रिस्पॉन्स करेंगे। Why and when does Giovanni in his address to Beatrice call Dr. Rappaccini's your awful father? जब ये कब Giovanni Beatrice को मुखातिब करके कहता है कि डॉक्टर Rappaccini तुम्हारा खौफनाक बाप, ठीक है, क्योंकि उस बाप ने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया अपने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, तो वो उसको कहता है कि तुम्हारा बाप जो है वो बहुत ज़ालिम है, तो भी आपने यही रिस्पॉन्स लिखना है। Why did the love affair of Giovanni and Beatrice end in tragedy? जी, बैट्रिस और गिवानी का जो लव है, लव अफेयर है, वो एक ट्रेजडी पे एंड क्यों होता है, ठीक है, उसका एक अलमनाक नतीजा क्यों निकलता है। अगर आपसे रीजंस पूछी जाएं क्यों नाकाम हो जाती है उनकी मोहब्बत, तो भी आपने यही लिखना है। अब ज़रा इसके आंसर की तरफ आते हैं। जी, द लव बिटवीन गिवानी एंड बैट्रिस फॉर्म्स द मोस्ट पावरफुल इवेंट ऑफ द स्टोरी। जी, इस स्टोरी का सबसे जो मुअसर वाक्य है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इन दोनों का लव अफेयर है। बैट्रिस इज द यंग डॉटर ऑफ अ साइंटिस्ट। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये बेटी है उस साइंटिस्ट की, डॉक्टर Rappaccini की, हु इज़ एक्सपर्ट इन ग्रोइंग पॉइजनस प्लांट्स, जो कि क्या करता है, जो कि जहरीले पौधे उगाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर फादर शी लुक्स आफ्टर द डेडली फ्लावर्स एंड इनहेल्स देयर पॉइजन। हाँ जी, तो वो वहाँ पे उस बाग में सारा दिन रहती है, तो वो जितना भी जहर है वो इनहेल कर चुकी है। शी टू हैज़ बिकम पॉइजनस लाइक दोस फ्लावर्स, उन जहरीले पौधों की तरह वो भी जहरीली हो चुकी है। गिवानी इज़ अ स्टूडेंट हु कम्स इनटू कांटेक्ट विद बैट्रिस एंड फॉल्स इन लव विद हर बाय चांस। गिवानी उनके हमसाए में आता है, एक स्टूडेंट है वहाँ पढ़ने के लिए आता है, वो उसको देखता है और उसको पसंद करने लगता है। बैट्रिस टू लाइक्स एंड लव्स हिम, बैट्रिस भी उसको पसंद करती है। दिस म्यूचुअल लव इज़ नॉट फिजिकल बट प्योर एंड सिंसियर। जी, इनका ये मोहब्बत जो है ना, ये बहुत प्योरिटी पे, सिंसियरिटी पे बेस करती है। बैट्रिस इज सिंसियर इन हर लव। गिवानी सून कम्स टू नो अबाउट द फैटल क्वालिटी विच इज़ बिलव्ड पोजेस। गिवानी को जल्दी पता चल जाता है कि बैट्रिस के साथ क्या मसला है। ही फाइंड्स एट द फ्लावर्स विच ही थ्रोज एट हिज बिलव्ड फीट विदर अवे When she brings them close to her breast, उसने देखा कि जब वो जो फूल उसने उसकी तरफ फेंके थे, जब वो उनको अपने नज़दीक लेकर आई, तो फूल जो है वो मुरझा गए थे। He meets Beatrice, he finds her quite human and innocent. वो Beatrice से मिलता है तो उसको पता चलता है ये तो बहुत ही innocent है, मासूम है और human है, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक है। Giovanni doubts her sincerity. It is Professor Biglioni who warns him about the poisonous girl. Beatrice advises him not to fall in her trap. जी, प्रोफेसर Biglioni जो है, प्रोफेसर है इसका, इस लड़के का, वो उसको कहता है कि तुम बैट्रिस से और उसके बाप की खौफनाक चालों से दूर रहना। ही मीट्स बैट्रिस एंड ब्लेम्स हर फॉर द क्रूअल ट्रैप। हाँ जी, वो बैट्रिस को इल्ज़ाम देता है कि ये जो तुमने एक बहुत ही बुरा किस्म का ट्रैप लगाया हुआ है उसको फांसने के लिए, एक ग्रिफ्त, जालमाना ग्रिफ्त जिसको लिखा गया है, शी हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर हिम, और वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार किया गया है। ही ब्लेम्स हर फादर फॉर सच एन एक्सपेरिमेंट एंड एड्रेसिंग बैट्रिस सेज योर ऑफुल फादर। अब वो उसके बाप को भी इल्ज़ाम देता है कि तुम्हारा बाप जो है इस तरह के बुरे तजर्बे कर रहे हैं, और वो कहता है तुम्हारा बाप एक बहुत खौफनाक आदमी है। बैट्रिस अश्योर्स हिम ऑफ हर सिंसियर लव
बेट्रेस जो है वो उसको यकीन दिलाती है कि उसकी मोहब्बत जो है वो सिंसेरिटी पर मबनी है. शी टेल्स हिम दैट शी इज़ इनोसेंट, वो उसको बताती है कि वो इनोसेंट है, मासूम है. एट दैट टाइम ऑफ आर डेथ शी यूटर्स दिस वर्ड्स इन सच अ मूविंग एंड ट्रेजिक मैनर, और अपनी मौत के वक्त वो इन अल्फाज को इस कदर दुख के साथ वो कहती है दैट द रीडर इज़ कन्विंस्ड ऑफ हर सिंसेरिटी, कि जो रीडर है, जो कहानी पढ़ने वाला है, वो भी दुखी हो जाता है और उसको उसकी सिंसेरिटी के ऊपर और उसके खलूस के ऊपर यकीन आ जाता है. हर लव इज़ ट्रेजिक. यू एनी बिलीव इट दो माई बॉडी फेड विद पॉइजन, माई स्पिरिट इज़ गॉड्स क्रिएचर एंड नीड्स लव एट इट्स डेली फूड. वो गिवानी को कहती है कि बेशक मेरा जिस्म तो जहरीला हो चुका है, लेकिन मेरी रूह तो जहरीली नहीं है ना. इसको तो खुदा ने जैसे पाक साफ बनाया है वैसे ही है, और उसको मोहब्बत की ज़रूरत है. हर डेथ इज़ हार्ट रेंडिंग एंड क्वाइट ट्रेजिक, उसकी जो डेथ है वो हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर जाती है. एट द टाइम ऑफ आर डेथ शी टेल्स हर फादर आई वुड रादर हैव बीन लव्ड नॉट फियर्ड, अपने बाप को कहती है कि मुझे मोहब्बत करने के लिए बनाया गया था ना कि लोग मुझसे डरें. दिस शोज दैट शी डिफीट्स द वेरी प्लान ऑफ हर फादर हु वांट्स टू मेक हर फियरफुल टू अदर्स. तो यहाँ से पता चलता है कि उसके बाप का जो प्लान था कि लोग इससे, इसकी बेटी से डरें, इसको इसके नज़दीक ना आए, कोई इससे मोहब्बत ना करे, तो वह नाकाम हो गया. द लव बिटवीन बैट्रिस एंड गिवानी एंड्स इन ट्रेजडी. जी ट्रेजडी, ट्रेजिक एंडिंग है स्टोरी की. देर आर मैनी रीजन्स फॉर इट. रीजन्स क्या हैं जी? फर्स्ट, बैट्रिस इज सिंसेयर इन हर लव, वेयर एज गिवानी लव इज़ बेस्ड ऑन फेयर एंड डाउट. बैट्रिस तो सिंसेयर है, लेकिन गिवानी जो है ना, उसके बहुत सारे फेयर एंड डाउट्स हैं, शकुकुशबहात हैं. सेकेंड क्या है? प्रोफेसर बेगलोनी प्लेज अ नेगेटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लव. प्रोफेसर बेगलोनी भी जी इसमें अपना एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उसको कहता है कि ये ट्रैप कर रही है और तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए. ही क्रिएट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है. लव बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ श्योर टू एंड इन अ ट्रेजेडी, और मोहब्बत जो जिसके दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा कर दी जाएँ तो उसका एंड हमेशा अलमनाक ही होता है. ये करेंगे आप, ठीक है? उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 3 आपने लर्न करना है, रैपाचिनी इज़ एज अ साइंटिस्ट. और उसके बाद आपने जो है करैक्टर आप नोट डाउन कर लें. आपने बैटरीज का करैक्टर आपने इसको याद करना है, गिवानी के करैक्टर को करना है, और बेगलियोनी के करैक्टर को करना है. तो इसका मतलब है टोटल आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं, 2 जो अभी मैंने पढ़ाए हैं, 3rd जो मैंने आपको बताया है, और 3 करैक्टर स्केच, बैटरीज का, गिवानी का और बेगलियोनी का, ठीक है? तो ये आपके टोटल 6 क्वेश्चंस बन जाएंगे. ये आपने करने हैं, और ये मैं इसलिए आपको ज़्यादा काम दे रही हूँ कि अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट वीक में होगी, ठीक है? तो अभी आपके पास नेक्स्ट 3 डेज़ हैं, आप उसमें काम ज़्यादा करें. तो मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको याद करके लिखें, ठीक है? और चेक करें. और तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक में आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.